दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल टॉपर स्ट्रीक पर। दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर के आई है। अगर आप लोगों ने ग्रुप डी और ALP परीक्षा के लिए आवेदन किया है और आपका आवेदन किन्हीं कारणों से निरस्त हो गया है यानी रिजेक्ट हो गया है तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही राहत की खबर आई है। ऑफिशियली ये नोटिफिकेशन आया है रेलवे की जो जोन्स है उसकी वेबसाइट पर। आप यहाँ देख सकते हैं कि अमान्य फ़ोटो संबंधी महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपका फ़ोटो के कारण रिजेक्ट हो गया है आपका एप्लीकेशन, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का हुआ है या कैंडिडेट्स का हुआ है, तो उन दोनों के लिए एक यहाँ पे राहत आई है कि आप लोग फिर से अप्लाई कर सकते हैं फ़ोटो के साथ, ताकि आपका जो एप्लीकेशन है वो फिर से रिवाइज्ड हो और आपकी जो एडमिट कार्ड है वो आपको इशू कर दी जाए। इसी तरह से सहायक लोको पायलट जो है टेक्नीशियन उसके लिए भी है। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अमान्य फ़ोटो संबंधी महत्वपूर्ण सूचना, इंपोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग इनवैलिड फोटोग्राफ। आप जैसा आपने अगर स्टेटस अपना चेक किया होगा एप्लीकेशन का, तो आपको वहाँ पर मिला होगा कि बहुत सारी जो त्रुटियाँ आई है वो जनरली जो एप्लीकेशन जो रिजेक्ट हुई है वो जनरली इस वजह से हुई है क्योंकि जो फ़ोटो थी, जो पैरामीटर्स था फ़ोटो का, उसके हिसाब से कैंडिडेट्स ने वो फ़ोटो नहीं लगाया था, या फ़ोटो लगाया भी था तो जो स्क्रूटनी में है वहाँ पे वो खामी थी। तो चलिए वो मैं सारा नोटिस दिखाऊंगा आपको, नोटिफिकेशन, और आप लोग किस तरह से फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं वो पूरा मैं प्रोसेस यहाँ पर बताऊँगा। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यहाँ पर आपको रेड बटन का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, तो उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर कोई नोटिफिकेशन जो लेटेस्ट मैं अपलोड करूँ वो आप तक पहुँचती रहे। तो आइए आ जाते हैं अपने उस नोटिस पर, अपने उस टॉपिक पर जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ इंपोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग इनवैलिड फोटोग्राफ। तो यहां पे हम क्लिक करेंगे, तो जैसे हम क्लिक करेंगे हमें एक पेज खुलेगा और यहां पे आप देखिए लिखा हुआ है इंपोर्टेंट नोटिस फॉर कैंडिडेट्स फॉर CEN 02/2018 11-1 पोस्ट। ये जो है ग्रुप डी के लिए, 11-1 जो होता है वो ग्रुप डी के लिए है। तो इसमें यहां लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन received from the candidate of CEN 02/2018 11-1 post regarding invalid photographs are under examination। यानी इसके लिए जो है वो under examination है group D के लिए, और revised status for CEN 02/2018 यानी group 2 shall be uploaded shortly on the official website of RRB। यानी जल्द ही यहाँ पर डाल दिया जाएगा आपको फोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन। लेकिन अगर मैं बैक करूं और बात कर लूं ALP टेक्नीशियन वाले की, तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि ALP टेक्नीशियन के लिए है। तो अगर मैं उसकी बात करता हूँ ALP टेक्नीशियन की, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा फोटोग्राफ्स अपलोड करने का। आप पूरा यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा है मोडिफिकेशन के लिए। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि टेक्नीशियन मोडिफिकेशन ऑफ इनवैलिड फोटोग्राफ्स। आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट ऑफ CEN 01/2018 यानी ALP टेक्नीशियन रिगार्डिंग इनवैलिड फोटोग्राफ्स हैव बीन एग्जामिन्ड, यानी एग्जामिन कर लिया गया है, एंड द रिवाइज्ड स्टेटस ऑफ फोटोज आर बीइंग ईमेल्ड टू इंडिविजुअल। यानी हर इंडिविजुअल को ईमेल भी कर दिया गया है। दे आर एडवाइज टू चेक द रिवाइज्ड स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन। वो अपना एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं। और आप ये सारा कुछ नोटिफिकेशन है, आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर से लिखा दिख रहा है कि क्लिक हेयर टू लॉग इन एंड अपलोड फॉर प्रॉपर फोटोग्राफ। आप इस पर क्लिक करेंगे तो सेम टू सेम आपको आप जोन आ जाएगा अलग अलग, आप अपने जोन को सिलेक्ट कर लेंगे। आपने जिस भी जोन में से अप्लाई किया था फॉर्म भरते समय, जैसे सपोज करिए मैं दिल्ली से अप्लाई किया हूँ तो दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ, तो जैसे मैं दिल्ली सेलेक्ट करूँगा एक नया पेज आएगा सामने, वहाँ पर मुझे रजिस्ट्रेशन ID जो हमारी होती है, जो हमें ईमेल और जो हमारे फॉर्म है उस पर होता है वो प्राप्त होगा। ईमेल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डालना है, उसके नीचे आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ डालना है, और उसके नीचे एक कैप्चा कोड है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, तो आपको वो कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास फिलहाल कोई रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता, अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाऊं। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस थी, और ग्रुप डी वालों के लिए ये है कि वो शॉर्टली जो है सेम टू सेम फोटोग्राफ जो अपलोड करने का ऑप्शन है वो आ जाएगा, एक दो दिन में आ जाएगा, जैसा इसने बताया है कि जल्द ही आ जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं ये सारा नोटिस आप पढ़ लीजिए ध्यान से, तो आपको पता चल जाएगा कि रिवाइज्ड स्टेटस फॉर CEN 02/2018 शैल बी अपलोडेड शॉर्टली ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB। तो जल्द ही आ जाएगा, आप लोग वेट करिए थोड़ा सा। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और जानकारी, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ, मेरे चैनल को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि रेड बटन जो है उस पर क्लिक करके आपके ठीक वीडियो के नीचे होगा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ तैयारी से रिलेटेड आपको मिलती रहे। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का मेरा ये वीडियो देखने के लिए।